इस वक्त जहां 2 दिनों में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ में अब तक 32 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 5 मरीजों का एम्स में इलाज जारी है। 37 मरीजों में 27 मरीज कटघोरा के पाए गए थे। कटघोरा में 10 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता सुप्रिया पांडे फोन लाइन से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, पिछले 2 दिनों से कोई भी छत्तीसगढ़ में मरीज नहीं मिला है, इसको किस तरीके से देखा जाए, प्रशासन की तैयारी के बतौर या फिर पहले की जो तैयारी थी उसके बतौर देखा जाए? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना के पिछले 2 दिनों में एक भी मरीज सामने नहीं आए हैं। पिछले दिनों नर्सिंग ऑफिसर जो थे, 2 दिन पहले ही नर्सिंग ऑफिसर कोरोना की चपेट में आए थे। वो भी एम्स के जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो कोरोना मरीजों की जो जांच कर रहे थे, वो आए थे उसके चपेट में। और हालांकि जो छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट बना कटघोरा, वहाँ से पिछले 10 दिनों में नए मामले सामने नहीं आए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत राहत भरी खबर है। और साथ ही जो टेस्ट है, टेस्ट भी लगातार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज जो है टेस्ट हो रहे हैं लैब में, और बहुत सारे मेडिकल लैब थे यहाँ पर। तो मेडिकल लैब जैसे कि भीमराव अम्बेडकर लैब हो गया और एम्स, इस तरह के से जिन जिन लैबों में कोरोना मरीजों कोरोना संदिग्धों की जो टेस्ट होती है वो टेस्ट की जा रही है। तो इस तरीके से रोज भी हजारों की संख्या में टेस्ट होते हैं और अभी तक तो एक भी मामला सामने नहीं आया है। जी सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आ रहे हैं।